अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा शरफी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड बड़ी अच्छी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, हो गए हैं सहरी का वक्त और जो है ना, मैंने आज बनाया है यहाँ पे सहरी में खेमा और यहाँ बने हैं गर्म गर्म है, यहाँ बने हैं बढ़िया से गर्म गर्म राइस। आटा भिगाती हूँ, ककड़ी कट की हूँ, सैलड बना देती हूँ उन लोगों के लिए। और मेरे गले में जो है ना बेहद दर्द है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जख्म हो गया अंदर, बहुत तकलीफ है। तो पता रोजा नहीं रख पाएंगे? मैं शायद रोज़ा नहीं रख पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है अंदर जख्म हो गया, बहुत तकलीफ है। तो बस ये लोग का कर देती हूँ और मैं लेती हूँ कोई सा पैरासीटामोल ले लेती हूँ अभी, रिजा है ना। हाँ, मॉर्निंग में डॉक्टर को बताना पड़ेगा क्योंकि मेरे से बिल्कुल पानी भी नहीं निकला जा रहा है। तो मैंने रात में भी रिजा से पूछा था, तो रिजा ने रात में भी ये बोले थे अगर तकलीफ होगा ज़्यादा तो पैरासीटामोल ले लेना करके, है ना। तो अभी जो है ना इन लोगों के लिए रोटियां बना देती हूँ, मुजम्मिल को उठाते हैं और वीडियो में कंटिन्यू बन रही है, देखते हैं आगे क्या शूट करती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को। मुजम्मिल ये ले जाके रखूँ ऊपर? अरे आपकी तो बेटी की तब क्यूट है, हम लोग कुछ और खा लेते हैं। नहीं, निकाल के दे देती हूँ ठीक। और नहीं गरम, हाँ मटर नहीं करना। हाँ यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था गले में मेरे, पास थोड़ा दर्द। रोटियाँ जो मैंने ऐसी बना दी है, एक टाइम में दो रोटी बन जाए तो देखिए बढ़िया से एक टाइम में दो रोटी बन गई, बहुत इजीली निकल भी गई है। ठीक, चलो ज़्यादा तकलीफ है कि मुझे सहरी के बाद ना रोना आ रहा था, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज का मैंने रोज़ा भी नहीं रखा क्योंकि मैं रख ही नहीं सकती थी। अभी जाते हैं डॉक्टर के पास, जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, डॉक्टर जो है इनके फ्रेंड भी है और उनका क्लिनिक सुबह 7:30 बजे से खुल जाता है, ENT वाले है, तो वहाँ पर जाएंगे गले की तकलीफ दिखाने के लिए। आके वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ इनके साथ डॉक्टर के पास। डॉक्टर BK शर्मा जो है ना इनके फ्रेंड है और सुबह 7:30 बजे से क्लिनिक ओपन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया मुझे कि जल्दी से दवा मिल जाएगी, उसके बाद चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स, हो गया इफ्तार का टाइम और जो है ना रिजा बस जस्ट अभी कॉलेज से आए, अभी बज रहे हैं 5:30। वो भी बहुत थकी हुई होती है, हम लोग तो आराम कर लेते हैं, घर में बीमार होते हैं, मगर बच्चे जो है ना बेचारे कॉलेज से स्कूल से आते थके हुए होते हैं। बट रिजा ने मुझे कहा कि कुछ भी मत करो मम्मी, ये टिक्की निकाल के दिया उन्होंने, मैं दही पपड़ी बनाने वाली थी तो रिजा ने बोला ये टिक्की फ्राई कर दूंगी। माशाल्लाह जो मैंने चिकन की टिक्की बना के रखी थी ना, चिकन की कटलेट फ्रीज करके, तो ये मेरे ऐसे ही वक्त में बहुत काम में आती है, जब कभी बाहर चले जाओ, जब कभी तबीयत ठीक नहीं होती है उस टाइम में। तो मुझे मम्मी को भी पसंद है, इसलिए रिजा ने बोले कि चिकन कटलेट फ्राई करते हैं। और ये गुलाब जामुन जो है ये भी जो है ना रिजा ने गर्म के लिए रख कर रहे हैं, तो बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए। और यहाँ पर जो है ना मैं बघारे चावल चने की दाल बना रही हूँ और फ्रूट कट करके रख दिया है, आज कुछ भी हिम्मत नहीं है बनाने की मेरे अंदर, तो कल इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी शूट करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दोपहर में दवा ववा खा कर मैं थोड़ा सो गई थी, तो थोड़ा सुकून है अभी, मगर सुबह बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी बस ऐसा लग रहा था कि बता नहीं सकती मैं आपको। अल्लाह का शुक्र है अभी थोड़ा सा आराम है, और मैं चाह रही हूँ रिजा और मुजम्मिल को भी आराम दूँ क्योंकि लोग कॉलेज से थके हुए आते हैं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं बच्चों से कोई काम करूँ। अभी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, है ना।
ब्लॉग को कंटिन्यू करते चलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किचन हो गया पूरा क्लीन, रीजा और मैंने मिलकर किए। रीजा बेचारे थक कर आए थे, मगर मेरी पूरी हेल्प की रीजन है ना, मैं ज़्यादा कुछ करने नहीं देती हूँ आने के बाद कॉलेज से। तो चलते इफ्तार के लिए, और कुरान शरीफ पढ़ना नहीं हुआ 2 दिन से मेरा, तो पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 2 कुरान शरीफ कंप्लीट करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा बिजी रही तो 1 कंप्लीट करती हूँ। कुरान शरीफ पढ़ने का, इबादत करने का 70 गुना सवाब है ना। बहुत से लोग बोलते हैं हमने 4 पढ़े, 5 पढ़े, 8 पढ़े, ठीक है अच्छी बात है, मगर अल्लाह पाक ने कहीं ये नहीं फरमाया कि कॉम्पिटिशन है रमज़ान में पढ़ाई का। 70 गुना सवाब है, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाए। 1 पढ़ती हूँ, 2 पढ़ती हूँ, सुकून से पढ़ती हूँ, ऐसे कॉम्पिटिशन से नहीं पढ़ती हूँ कि इसने इतना पढ़ा तो मुझे इतना पढ़ना है, उसने इतना पढ़ा तो मुझे इतना पढ़ना है। सब चीज़ें देखती हूँ बराबरी से हो, अच्छे से हो, सुकून से हो। 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, मगर उसको समझो, सुकून से पढ़ो, बस यही है सोच मेरी। तो मुजम्मिल माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं कुरान शरीफ, है ना। हाँ। मुजम्मिल मैं आपको बताती हूँ, मुजम्मिल कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं, रीजा से भी अच्छा पढ़ते, रीजा भी अच्छा पढ़ते हैं, मगर मुजम्मिल की स्पीड बहुत अच्छी है, फ्लुएंसी अच्छी है। हाँ, और क्लियर क्लियर पढ़ते हैं, रोज ही पढ़ते हैं माशाल्लाह, बच्चे तो मेरे रोज ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से ऐसा रखी हूँ स्कूल की पढ़ाई करो ठीक है, मगर ये भी उनको रोज पढ़ना ही पढ़ना है, तुम स्कूल की पढ़ाई कैसे फिक्र से कर रहे, तो ये भी चीजें करो, है ना। तो अभी इफ्तार के लिए चलते हैं, और ज्यादा कुछ बनाई हूँ आपको बताई हूँ मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलते इफ्तार के लिए। तो फ्रेंड्स आज मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई हूँ, कटलेट जो फ्रीज किए हुए थे ये बहुत यूज़ आते हैं, बहुत काम में आते हैं इसलिए, और खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, ये बना के रख सकते हैं, 1-2 महीना भी रख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों की फेवरेट जो है ना सूप वाली मैगी बनी है, तो ये दोनों को बहुत पसंद है, और ये इफ्तार में लगती है बहुत अच्छी, जब थोड़ी हल्की कच्ची रहे ना, जब इसे ट्रांसफ़र कर ले बाउल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो है ना मेडिसिन ले लेती हूँ, पिज़्ज़ा और दोनों जो है ना तो पीछे 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 लेके घूमते, जब तक खिलाएंगे नहीं तो सुकून नहीं होगा उन दोनों को, क्योंकि मैं मेडिसिन खाने की बहुत चोर हूँ, तो थोड़ा सा रिलीफ है, सुबह मॉर्निंग की जो दवा खाई थी ना उससे माशाल्लाह रिलीफ है। ये भी खा लो अभी। हाँ अभी किए वो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नमाज हो गई, इफ्तार हो गई, सब कुछ हो गया अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, और जो फ्रीज़ किए हुए आइटम है ना वो मेरे इस वक्त में बहुत काम में आ जाते हैं कभी कभी इमरजेंसी में, तो आप भी बना के रखें आपके भी काम में आएंगे। तो बस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। खुदा हाफिज़।